हेलो दोस्तों, मैं बीजेश कुमार, आपका अपने चैनल एनसीईआरटी फॉर गवर्नमेंट एग्जाम में स्वागत करता हूँ। दोस्तों देखिए, जो मोबाइल में कुछ खराबी हो जाने के कारण दोस्तों थोड़ा सा वीडियो लेट में दे रहा हूँ, ठीक ना। लेकिन आपको दे रहा हूँ दोस्तों, आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ, तो आप लाइक ज़रूर करिएगा। क्योंकि देखिए दोस्तों, मोबाइल ख़राब हो गया है, तो उसके लिए थोड़ा सा डिले हो गया। हो सकता है कि थर्ड शिफ्ट में देखते हैं कि बन पाएगा कि नहीं, तो देखते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन देखते हैं, मोबाइल से ही मैं वीडियो बनाता हूँ, आपको बताया भी हूँ। 23 अक्टूबर को दोस्तों पेपर जो हुआ है सेकंड शिफ्ट का, उसको देखेंगे एमटीएस का कि क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक ना। चलिए उससे देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया था। देखिए दोस्तों, पूछा गया था 2011 की जनगणना कौन से नंबर की थी। देखिए दोस्तों, बात कर लेते हैं तो 15वें नंबर की थी दोस्तों जनगणना 2011 की, ठीक ना। लेकिन अगर ये दोस्तों पूछ दे कि स्वतंत्रता के बाद कौन से नंबर की थी दोस्तों, तो 7वें नंबर की थी। सबसे पहली बार जो दोस्तों जनगणना हुई थी 1872 में, 1872 में हुई थी दोस्तों, लॉर्ड मेयो के समय, ठीक ना। लॉर्ड मेयो के समय दोस्तों पहली बार जनगणना हुई थी, और 1881 में दोस्तों लॉर्ड रिपन के समय हुई, ठीक ना। तो इसके बाद दोस्तों 10-10 साल बाद जनगणना होने स्टार्ट हो गया। तो पहली बार लॉर्ड मेयो के समय दोस्तों पूर्व जनगणना हुई दोस्तों 1881 में लॉर्ड रिपन के समय, तो ये भी याद रखिएगा। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन पूछा था कि द ब्लू अम्ब्रेला पुस्तक के लेखक कौन है, सो ये पूछा था। तो द ब्लू अम्ब्रेला पुस्तक के लेखक की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो रस्किन बॉन्ड है। रस्किन बॉन्ड दोस्तों द ब्लू अम्ब्रेला पुस्तक के लेखक हैं, ठीक ना। तो ये पहले भी प्रीवियस ईयर में दोस्तों पूछ चुका है ये क्वेश्चन, रस्किन बॉन्ड वाला, तो ये महत्वपूर्ण है। तो आप दोस्तों प्रीवियस ईयर जरूर देखिए, प्रीवियस ईयर ज़्यादा फंस रहा है एग्जाम में। अगला दोस्तों देखिए, अगला क्वेश्चन है कि हरिहरन का संबंध किससे है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इनका संबंध गायक से, हरिहरन का संबंध गायक से है। तो हरिहरन का संबंध दोस्तों गायक से है, तो ये पूछा था, ठीक ना। गायक अगर आपसे मिल दिया हुआ दोस्तों, तो वही आंसर हो जाएगा। अगला पूछा था दोस्तों कि 2023 में जर्मनी के कौन सा राजदूत भारत आया था। तो देखिए दोस्तों, अगर आपसे आपके ऑप्शन में दोस्तों फ्लिप एकरमन होगा दोस्तों, तो वही आंसर हो जाएगा। फ्लिप एकरमन आया था दोस्तों 2023 में जर्मनी का भारत राजदूत, ठीक है। अगला देखिए दोस्तों, क्वेश्चन पूछा था कि 42वें संविधान संशोधन कब हुआ था दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, मैंने कई बार बताया है 42वें संविधान संशोधन के बारे में। 1976 में दोस्तों हुआ था 42वां संविधान संशोधन। 42वें संविधान संशोधन दोस्तों में क्या किया गया था दोस्तों, तो मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था। 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे 42वें संविधान 1976 के द्वारा, और किस समिति की सिफारिश पर जोड़े गए थे, ये भी याद रखिएगा। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर दोस्तों ये जोड़े गए थे, ठीक ना। 42वां संविधान संशोधन 1976। वर्तमान में कितने मूल कर्तव्य हैं दोस्तों, तो मूल कर्तव्य दोस्तों 11 हैं वर्तमान में। किस देश से लिए गए हैं, तो ये भी याद रखिएगा। देखिए दोस्तों, अगर पूछे कि किस देश से लिए गए हैं मूल कर्तव्य, तो रूस याद रखिएगा। रूस से लिए गए दोस्तों मूल कर्तव्य, और मूल कर्तव्य का उल्लेख दोस्तों भाग 4 क में दोस्तों। सभी क्वेश्चन याद रख लेना है 42वां संविधान संशोधन। लेकिन दोस्तों, अगर आपसे पूछे 44वें संविधान संशोधन के बारे में दोस्तों पूछे, तो 44वां संविधान संशोधन दोस्तों 1978 में ये हुआ था। इसमें क्या होता दोस्तों, संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था, ठीक ना। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर इसे 300 क में कर दिया गया था, ठीक ना। 300 क में रख दिया गया, तो अब संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। किस संशोधन द्वारा हटा दिया गया, 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा। अगला क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि पाणिनी ने व्याकरण पर कौन सी पुस्तक लिखी है। तो देखिए दोस्तों, पाणिनी की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो पाणिनी ने व्याकरण पर दोस्तों अष्टाध्यायी पुस्तक लिखी है, अष्टाध्यायी पुस्तक, ठीक ना। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर है। ये पूछा था कि जल शक्ति मंत्री 2023 में कौन है दोस्तों। तो देखिए, गजेंद्र सिंह शेखावत दोस्तों जल शक्ति मंत्री हैं 2023 में। देखिए अगला क्वेश्चन पूछा था दोस्तों, अगला पूछा था कि देखिए सहकारी, अब ये भी याद रखिएगा दोस्तों। देखिए, जल शक्ति मंत्री पूछा है ना, पहले की सीट में भी दोस्तों पूछ चुका है कि सहकारिता मंत्री कौन है, तो अमित शाह सहकारिता मंत्री हैं, ठीक ना। देखिए, और पूछा था दोस्तों कि बैडमिंटन कोर्ट की ऊंचाई कितनी होती है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, बैडमिंटन कोर्ट की ऊंचाई बात कर लेते हैं दोस्तों, तो 155 सेंटीमीटर होती है, 155 सेंटीमीटर होती है बैडमिंटन कोर्ट की ऊंचाई। अगला पूछा था दोस्तों कि भारत रिपब्लिक राष्ट्र कब बना दोस्तों, तो 26 जनवरी 1950 को दोस्तों भारत रिपब्लिक राष्ट्र बना, ठीक ना। अगला दोस्तों पूछा था क्वेश्चन कि इंडोनेशिया ने
इंडोनेशिया में कौन सा फुटबॉल मैच हुआ था। तो देखिए सो इसका आंसर नहीं मिल पाया, अब ऑप्शन क्या दिया था मालूम नहीं, तो इंडोनेशिया में कौन सा फुटबॉल मैच हुआ था दोस्तों, तो ये नहीं मिल पाया। देखिए दोस्तों ये ब्यूटीफुल का मीनिंग पूछा था, ब्यूटीफुल का मीनिंग ठीक ना, ये इंग्लिश में क्वेश्चन पूछा था ब्यूटीफुल का मीनिंग। हैप्पीनेस इंडेक्स पूछा था दोस्तों कि हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक कितनी है, भारत की रैंक 126 है हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में ठीक ना। अब मैकेनिकल का मीनिंग पूछा था, हमारे हिसाब से उसको मैकेनिकल का स्पेलिंग पूछा होगा स्पेलिंग पूछा होगा करेक्ट वाला में ठीक ना, कि स्पेलिंग करेक्ट है कि इनकरेक्ट है, करेक्ट इनकरेक्ट बताना होगा। तो इस मैकेनिकल का मीनिंग पूछा था। देखिए अगला इंग्लिश में पूछा था दोस्तों कि सेंसिटिव का अपोजिट क्या होता है। तो देखिए दोस्तों सेंसिटिव मतलब दोस्तों क्या होता है, संवेदनशील होता है, संवेदनशील। तो अब जो ऑप्शन में दिया होगा ठीक ना, तो संवेदनशील का उल्टा जो दिया होगा अपोजिट। देखिए अगला पूछा था दोस्तों कि कृष्णदेव के दरबार में कौन विदेशी यात्री आया था। तो दोस्तों देखिए दोस्तों कृष्णदेव राय के दरबार में दोस्तों डोमिंगो पेस पुर्तगाली आया था, डोमिंगो पेस पुर्तगाली जो कि पुर्तगाली था। तो ये अगर ऑप्शन में डोमिंगो पेस दिया होगा तो यही आंसर हो जाएगा। दीवाने खास के बारे में पूछा था दोस्तों, दीवाने खास देखिए दोस्तों दीवाने खास दोस्तों दीवाने खास को दोस्तों शाहजहाँ ने बनवाया था, शाहजहाँ ने दीवाने खास को बनाया था ठीक ना। यहाँ पर दोस्तों लोगों की कार्रवाई की जाती थी, उनका दुख दर्द सुना जाता था दीवाने खास में, एक दीवाने आम था एक दीवाने खास था ठीक ना। तो ये थे दोस्तों क्वेश्चन 23 अक्टूबर को सेकेंड शिफ्ट के। आपको दोस्तों वीडियो बनाने के लिए मैंने बहुत मेहनत किया है, लाइक ज़रूर करिएगा। PDF चाहिए दोस्तों तो टेलीग्राम से जुड़ जाइए, वहाँ पर आपको PDF दे दिया जाएगा ठीक ना। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि वीडियो अच्छा लगा होगा। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।